रिद्धिमा, अक्सर दिल में छुपी हुई बात जुबां पर आ जाती है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं आकर तुम्हारा दुपट्टा पकड़ूं और तुम अपना दुपट्टा छुड़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा घबरा कर रिक्वेस्ट करो, उसी अंदाज में जैसे तुम हमेशा करती हो? हाँ हाँ, तुमने कुछ कहा? नहीं, तुमने कुछ सुना? नहीं, कुछ नहीं। अरे सर, आ गए हम। आपने जो शादी का जोड़ा दिया था बनाने के लिए, वो बिल्कुल बनकर रेडी है। ओह गुड, एक्सीलेंट। आइए आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अरे सर जी, आप वहां क्यों खड़े हो गए? मैडम का हाथ पकड़ के यहां आ जाइए। यही समय है जो कुछ मान जाए, वरना शादी के बाद तो इन्हीं के इशारे पे चलना है। भाई अगर घर में खुशहाली चाहते हो तो मेरा सीक्रेट है, पहले से आपको पता चल जाए तो अच्छा है ना। वैसे आप दोनों की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद बनाकर भेजा है। मैंने आपसे कब कहा कि ये दुल्हन है? एक्चुअली शादी हमारे रिलेटिव की है, ये लड़के वालों की तरफ से और मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। एंड हम मिस पद्मा की शादी का जोड़ा लेने आए। माफ कीजिए, वैसे आप दोनों एक साथ में इतने खूबसूरत लगते हैं तो मैंने सोचा कि शायद आपकी। एक सेकंड, मैं ये अरमान चेक तो कर लेते हैं, शादी का जोड़ा है। ओह हाँ, ऑफ कोर्स, चेक कर लेते हैं। रिद्धिमा, एक मिनट, ये दुपट्टा भी ट्राई करके देख लो ना फिर तुम।
पैक कर दो। ये लीजिए लॉन्चर। तेरी बात सुने ना सुने अरमान, लेकिन तुम्हारे दिल एक दूसरे की बात जरूर सुन रहे हैं। गुड जॉब डॉक्टर अलगरेवा, यू हिट बुल्सआई। जब लड़कियां फिसलती हैं तो उन्हें संभालना तो पड़ता है। वैसे एक बात तो मानी होगी, आपके होते हुए कोई भी लड़की फिसल सकती है, क्योंकि उसे गिरने का डर जो नहीं होगा। हाँ हाँ, जो खुद इतने गिरे हों उन्हें गिरने का क्या डर हो सकता है। Next time, be careful. अरमान, तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे? तुम यही सोच रहे हो कि थैंक्स तुम्हें नहीं मुझे कहना चाहिए। Yeah. Well, मैं मानती हूँ कि मैं वो पहली लड़की नहीं जो तुम्हारी राहों में फिसल गई है, पर हाँ एक बात तो आपको मानना ही होगा कि मैं वो पहली लड़की हूँ जिसने फिसलते हुए आपकी राहों में फूल बिछा दिया और उसे और खूबसूरत बना दिया। लिटरली सी या थैंक्स। वाह, किस अदा से तुमने थैंक्स कहा। लगता है आप काफी लड़कियों के दिल के अरमान हो और मैं काफी लड़कों के दिल की मलिका।
समझते क्या अपने आपको, किसी और की वेडिंग प्लान करना है या खुद की वेडिंग प्लान करना है? एक्चुअली काम बहुत है तो आई विल गेट बैक टू वर्क एंड सी यू. ओके. प्यार है तो जलन है राहुल, मान ले अरमान. रिद्धिमा और तेरी दोस्ती दोस्ती नहीं, दोस्ती से दोस्त अब ऊपर है. अरमान और क्या चल रहा है? अगर तू मलिका के बारे में बात करने आया ना तो मुझे नहीं करनी, तू गुस्सा यहाँ से. अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं मलिका की नहीं, मैं तेरे दिल की मलिका की बात करने आया. क्या कह रहा था? ऐसा कुछ नहीं है. ओके जस्ट फॉरगेट इट. देख अरमान, शी रियली डज लव यू मैन. मैंने खुद उसकी आंखों में तेरे लिए इतना प्यार देखा है. रियली रिद्धिमान, मुश्किल से फोकस करने की कोशिश करता हूँ. ओके, आई एम रियली ट्राइंग टू फोकस ऑन आवर फ्रेंडशिप. और तू है कि आके ये सब बोल देता है. तू मुझे ये बता, तू अंतर्यामी है क्या? तेरे को सबके दिल की बात पता? हाँ, तू ऐसा कर, तू मुस्कान की आंखों में जाकर बोल कि तू उसे कितना प्यार करता है और वो तुझसे कितना प्यार करती है. अपनी लव स्टोरी को कुछ होता नहीं, दूसरों को लेक्चर देता रहता. देख यार, मैं और दिमाग सिर्फ दोस्त हैं. ओके, वी जस्ट फ्रेंड्स. और बहुत मुश्किल से मेरा दिमाग सही ट्रैक पे आया. जिस उसे गलत ट्रैक में मत डालिए. जिस टाइम मैम, ओके, मैं और दिमाग सिर्फ दोस्त हैं. तू चाहे कुछ भी बोले अरमान, तेरी आंखें कुछ और कहती. आओ भाई बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, लगता है लड़के वाले पहले आ गए. अरे वाह, मेरी बहू रानी भी आ गई. इधर रख दे बेटा, बैठो बैठो. अब हम चुनी की रस्म शुरू कर दे. जी पंडित जी. कन्या पक्ष कौन है? मत गिर, लड़कियों को गिरे हुए लड़की पसंद नहीं है. कंट्रोल कंट्रोल. चुन्नी की रस्म शुरू कीजिए. जी रिद्धिमा बेटा. हाँ. Thank you.
भाई जरा ध्यान से चुनरी पकड़ो, सारा दिन ऐसे ही संभालते रहोगे तो पद्मा खीर भी दूर से ही खा के अपना पेट भरेगी। अरे हम ऐसा थोड़ी होने देंगे। पहले खीर मैं खिलाऊंगी। Forget it नानी, सब लोग सब कुछ पहले करते हैं, इस बार मैं, my turn. Sorry. अरे पहले खिलाएंगे। Too late, sorry. ले बेटा। नहीं नानी, पहले आप खिलाएंगे, फिर मैं खिलाती हूँ। ठीक है। तुम्हारी भी शादी की जल्दी से बारी आएगी। अरे सर जी, अब आपकी बारी। आइए आइए, शर्माइए मत। अरमान बेटा आओ, अब तुम दोनों खिलाओ। ओहो, पर इसमें तो एक ही चम्मच रह गया। तो फिर अरमान खिलाएगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? दीदी तुम पहले खिलाओ, कम ऑन। तुम लड़के वाली हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। अब हमारी भी बेइज्जती है, चल जा खिला। इसमें लड़ने की क्या बात है? अरमान रिधिमा तुम दोनों साथ में खिला दो। चलो ठीक है। चलो भाई, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, चलो।